सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का एक वंडरफुल टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको कुल 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्राह्मी, खरोष्ठी तथा अरमाइक लिपि। इसके अलावा भी एक लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त की गई थी और वो है ग्रीक लिपि। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो अशोक के ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अशोक के ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा, तो 1837 में। किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि जनरली बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्ठी की अगर बात करें तो खरोष्ठी लिपि उसके जस्ट अपोजिट, इट मीन्स दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीनतम पंचमार्क यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। ऑप्शन सी चांदी के, और साहित्य में इसी आहत सिक्के को काशार्पण कहा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप लोग देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रंगपुर की अगर बात करें तो रंगपुर गुजरात का क्षेत्र था, कालीबंगा राजस्थान, राखी गढ़ी हरियाणा तथा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी मैच द फॉलोइंग है और ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का वर्णन है, सामवेद में गायन का वर्णन है, यजुर्वेद में ऋचाएं तथा कर्मकांड तथा अथर्ववेद जो है वो व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि महाभिभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है। ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब शुरू की गई थी, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध परिषद की अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड थे चतुर्थ बौद्ध संगीति से वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बतला चुकी हूँ, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी धौली मुख्य शिला राजा देश। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। चोल साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने। नेक्स्ट, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन बी अल्पतगीन ने गजनवी राजवंश की नींव रखी थी। हालांकि अल्पतगीन का जो दामाद था सुबुक्तगीन, उसने बाद में इसकी गद्दी संभाली। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है, तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र जिसे वाटर व्हील के नाम से जाना जाता था, उसी है अर्घट कहते थे। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था, ऑप्शन सी मलिक काफूर ने। नेक्स्ट, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है, सॉरी नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है कि मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो ऑप्शन
कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नियमित रूप से जो जिस भूमि में कृषि की जाती थी उस भूमि को पोलज कहते थे। एक या दो वर्ष खाली छोड़ने के बाद जहाँ खेती होती है उसे परती कहा जाता था। दो से तीन वर्ष परती रहने के बाद जहाँ खेती होती थी उसे चाचड़ कहते थे, तथा चार से पाँच वर्ष या इससे भी अधिक वर्ष तक कंटिन्यू जो भूमि परती रहती थी उस भूमि को बंजर नाम दिया गया था। तो इस अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निजाम उल मुल्क आसफ चाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो देखिए, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की कब की, तो 1724 ईस्वी में, तो यह तो सही है। ऑप्शन बी, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी, यह गलत है। इस इट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी है कि इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी, तथा निजाम उल मुल्क जो था वो वजीर कब बना था, तो सन 1722 में। नेक्स्ट है कि कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से युग्म सही हैं? तो ऑप्शन सी केवल थर्ड, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो यह ए ला सापल की संधि से समाप्त हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो दिल्ली पर। अगर मेरठ की बात करते हैं तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो मेरठ से किसने नेतृत्वकर्ता कौन थे मेरठ के, तो राव कदम सिंह। झांसी से आप लोगों को पता होगा कि झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो ये बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। सेकंड कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी, तथा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है। अगर हम लोग ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में की। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। उसके बाद 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ, तथा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। नेक्स्ट है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यह तो सही है। तो चलिए आगे का ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यह भी सही है। ऑप्शन थ्री है कि अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया था, तो यह गलत है। गांधी जी जब 1915 में वापस लौटे दक्षिण अफ्रीका से, उसके जस्ट दो साल बाद यानी 1917 ईस्वी में पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कम दो देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? ऑप्शन सी केवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। सिक्किम की अगर बात करें तो नेपाल चीनी तिब्बत और भूटान की सीमा, वहीं वेस्ट बंगाल बांग्लादेश भूटान तथा नेपाल की सीमा, वहीं असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा। अगर मणिपुर की बात करें तो यह एकमात्र देश से सीमा साझा करता है और उस देश का नाम म्यांमार है। नेक्स्ट है कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन सी कुडप्पा समूह की चट्टानें। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? ऑप्शन बी आर्कियन तंत्र। नेक्स्ट, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं दून। नेक्स्ट है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है? ऑप्शन सी अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप।
उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन सी कराकोरम, फिर लद्दाख, उच्चास्कर और लास्ट में पटकाई बुक। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीमताल की अगर बात करें तो विवर्तनिक झील के प्रकार अष्टमुड़ी, लैगून, गोहना, भूस्खलन तथा लोनार क्रेटर। नेक्स्ट है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट, मोनेक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन डी मॉनसून प्रयोग से। नेक्स्ट, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है, तो सर्वाधिक पहला नंबर पर तो जलोढ़ मृदा है, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो लाल मिट्टी। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है 31 में, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सारा गलत सलत पुट किया गया है। भाखड़ा नांगल बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध की अगर बात करें तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो ये सारा उल्टा पुल्टा यहाँ पर सेट किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन बी जावर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन डी रेणुकूट। रेणुकूट जो है वो हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र और रिहंद बांध के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी नेशनल वाटरवे अगर टू की बात करते हैं तो ये कोट्टापुरम से कोल्लाम ना चलकर कहाँ चलता है? तो सादिया से धुबरी क्षेत्र, असम का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे थ्री जो है वो कोट्टापुरम से कोल्लाम चलता है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य में केरल है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1084 यानी 1084 है। वहीं यहां पर क्वेश्चन पूछ दिया है केंद्र शासित प्रदेश से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं? ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। अब ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए यहाँ पर कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम जोशी थे, जिसे के एम मुंशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर सिर्फ संचालन समिति एग्जाम में पूछ देगा तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल दो, काम पाने का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। नेक्स्ट, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भूमि। नेक्स्ट, वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी? सरकारी आयोग। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ?
ऑप्शन डी 26 जनवरी 1957। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। ऑप्शन बी ना ही फर्स्ट सेकंड है और ना ही सेकंड। फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, तो ये गलत है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अगर बात करें तो ये 5 वर्ष ना होकर 6 वर्ष या 62 वर्ष, जिसमें भी पहले पूरा हो जाए तब तक पद पर बने रहेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। जी नहीं, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, बट हटाने का जो प्रोसेस है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकंड यहां पर सही है। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रचन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। नेक्स्ट है कि भुगतान से इसका घाटे वाला संतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्न युग्म पर विचार कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इसे न्यूटन की किस गति के द्वारा जाना जाता है? तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होती है? ऑप्शन बी परासरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से युग्म सही हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं कि वनस्पति घी के उत्पादन में आयरन एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, तो आयरन ना होकर निकल होगा। वहीं हैबर प्रोसेस से अमोनिया के उत्पादन में जो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है वो प्लैटिनम ना होकर यहाँ पर Fe यानी आयरन होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसका करेक्ट आंसर सॉल्व करने पर 400 न्यूटन आ रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण है कि यह कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरती हो जाती हैं। इस प्रभाव का कारण है ऑप्शन बी टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सब के सब सही हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए निर्भय स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? तो नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट, धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में परिवर्तित करना। नेक्स्ट, ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिशन को। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? ऑप्शन डी पास्कल का नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, विटामिन B6। नेक्स्ट, निम्न में से किस जगत यानी फाइलम के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? मोलस्का।
रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है। नेक्स्ट है कि 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो ऑप्शन बी 1 किलो जूल। नेक्स्ट है कि एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, निम्न जीवों पर विचार कीजिए, तो 78 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम लोहे के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्यूमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी जंग लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है एल्यूमिनियम के ऊपर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 और 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कम होगा? तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, तो ऑप्शन सी यानी 60 वाट के बल्ब का। नेक्स्ट, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, यह कहलाते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच वैल्यू होगा। ऑप्शन ए 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 200 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, स्पेस शिप 1 क्या है? ऑप्शन सी प्रथम निजी अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट, ऑप्शन डी यहां पर सही है। चलिए 87 है कि 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागोया में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले में पुष्टि हुई है? केरल। नेक्स्ट, किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित की है? ऑप्शन सी सैमसंग। नेक्स्ट, बास्टील दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 22। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है? ऑप्शन बी का। नेक्स्ट, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरुण कुमार झा को। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? एक्सपेक्ट इंसाइजर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान है 36वां। लास्ट क्वेश्चन है कि 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरी चैनल वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।